ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 5 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੀਵੀ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। जंगी मशकों में हिस्सा ले रहा अमरीकी मिलटरी का V-22 एसप्रे हैलीकॉप्टर अचानक हादसाग्रस्त हो गया जिस विच सवार जवानों को बचाने लिए कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रिपोर्ट मुताबिक यह हादसा स्थानक समय मुताबिक सवेरे 9:43 उत्ते वापरिया। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग के अधिकारियों ने दसा कि इस जंगी मशक में अमरीका ऑस्ट्रेलिया फिलीपीन तिमोर लेस्ते और इंडोनेशिया के जवान हिस्सा ले रहे हैं। यह फौजी अभ्यास अमरीका ते ऑस्ट्रेलिया विचकार इस साल का सब तो वड्डा जंगी अभ्यास है। इस विच अमरीका के 150 फौजी अपना जौहर दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स यानी ADF ने दसा कि इस समय उन्हां वल्लों सिर्फ जवानों नूं बचाउण ते ध्यान दिता जा रहा है। एयरपोर्ट तो रेस्क्यू ऑपरेशन लिए केयर फ्लाइट जैट की मदद ली जा रही है। कई जवानों नूं इलाज लिए रॉयल डार्विन होस्पिटल ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस फोर्स मुताबिक क्रैश हुए जहाज़ में सारे अमरीकी फौजी सवार सन। हादसे कारण जंगी अभ्यास रोक दिता गया। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिया इस घटना उत्ते डूंघा दुख जताया। दस दिए कि यह जंगी अभ्यास दौरान दूजा वड्डा हादसा है। इस तो पहला 29 जुलाई में अमरीका नाल किए जा रहे अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई मिलटरी का हैलीकाप्टर क्रैश हो गया सी। MRH-900 ताइपान हैलीकाप्टर हैमिल्टन आइलैंड नेड़े क्रैश होया। इस विच 4 जवानों की मौत हो गई सी। इस हैलीकाप्टर के निर्माण का काम 1999 शुरू होया सी। इसकी प्रोग्राम कास्ट उस समय लगभग 22 अरब रुपए सी। हाल ही के दिनों विच इसके क्रैश होने सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हमदर्द TV।